बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए आप ओपन कर लें अपनी साइंस की बुक न्यू फॉर प्राइमरी साइंस फॉर पीरियड 4। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन के लिए कौन से ऑर्गन और कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में है और हर ऑर्गन अपना क्या रोल प्ले करता है, किस तरह से फूड जो बॉडी के अंदर जाती है वो डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, और उस फूड से हमें किस तरह से एनर्जी मिलती है जो हमारी डेली एक्टिविटीज में यूज हो जाती है। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है हजम डाइजेशन हजम करना या किसी चीज का हजम होना। एक ऐसा प्रोसेस डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए फूड हमारी बॉडी के अंदर जाती है। फूड के अंदर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है, उनको ब्रेक डाउन होती है, उनको फोड़ फोड़ दिया जाता है और टूटने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो आसानी से हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो सके। इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं साथ साथ आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, जो मुश्किल अल्फाज होंगे, उनके मीनिंग्स भी आपको साथ साथ बोर्ड पे लिखती जाऊंगी। आप इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लें। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड। हमारी बॉडी को काम करने के लिए और बॉडी को सिस्टम को काम करने के लिए, बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं उनको अपना एफिशिएंट वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब हम जो फूड ईट करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो एज इट इज बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, यानी कि उस फूड को सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना जरूरी होता है। It has to be broken down into substances which can be absorbed. Absorb का मतलब है उन मादों का, उन चीजों का, उन केमिकल्स का, फूड के उन पार्टिकल्स का बॉडी के अंदर जल्द होना, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है। जब तक कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाते तब तक हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते और हमारी बॉडी उससे प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाती। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जल्द होना, होना। To do this, it has to go through several stages. अब digestion की several stages हैं। Digestion का जो process है, वो different stages से होकर गुजरता है। फिर आपकी food digest होती है, breakdown होती है, complex substances छूटते हैं, small substances में convert हो जाते हैं, उसके बाद वो आपकी body को फायदा देती है। अब इस digestion में सबसे पहला role play करते हैं हमारे teeth, यानी कि हमारे दांत। हम जब food को माउथ में लेके जाते हैं, अपने मुंह में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हम उस फूड को चुबाते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। अब इस पर रोल प्ले करते हैं हमारे दांत। फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में चुबाना, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना क्यों जरूरी है, कि जब फूड हमारे आगे जो डाइजेशन के प्रॉपर जो मेन ऑर्गन्स हैं, जब वहां तक फूड जाती है तो उनमें जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो उस फूड पे अटैक नहीं कर पाते, अनलेस और अंटिल आपकी फूड स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर आपकी फूड के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो उसमें जो जो केमिकल्स हैं, जो जूसेस हैं, जो रिलीज होते हैं, वो आसानी से उसके अटैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती। तो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ करने के लिए, मुकम्मल डाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, उसको ग्राइंड कर दिया जाए या पीस दिया जाए। ठीक है, तो ये पीसने वाला काम, चुबाने वाला काम या ग्राइंड करने वाला काम, तोड़ने वाला काम कौन करते हैं, हमारे टीथ, यानी जो फिजिकल ब्रेक डाउन होती है, फिजिकली जो चुबाने के तरीके से हम अपनी फूड को तोड़ते हैं, फूड के यानी एक बाइट हमारी फूड का जो है, जो हम लेते हैं, उस बाइट को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का जो एक काम है वो कौन करते हैं, हमारे टीथ। अ बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ।
आप एक बेबी जो है उसमें टीथ नहीं होते उसके माउथ में, टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज अ फ्यू मंथ ओल्ड। अब जब बेबी कुछ उम्र का हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है यानी कुछ साल का होता है, तो उसके माउथ में जो फर्स्ट टीथ ग्रो करना शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो मिल्क टीथ है या बेबी के टीथ है। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड। अब जब एक बेबी पैदा होता है तो वो अपनी फूड को यानी जो सॉलिड फूड है वो उसको च्यू नहीं कर सकता, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो च्यू का मतलब होता है चुबाना, च्यू चुबाना यानी कि ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स भी उसको तोड़ देना। इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। व्हेन इट ग्रोज, जब वो बढ़ता है, बड़ा होता है, अ लिटिल ओल्डर, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड। तो बेबी को क्या चाहिए? सॉलिड फूड चाहिए। एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। अब जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसकी उसके जो मुख्य दांत है उनका सेट क्या हो जाता है? 20। These sets are called baby teeth or milk teeth. ठीक है, तो इस सेट को हम कहते हैं बेबी टीथ या मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का मतलब है दूध के दांत जो कि परमानेंट नहीं होते और वो किसी स्टेज में जाकर शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके बाद जो परमानेंट टीथ निकलते हैं वो आपकी लाइफ में जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करें। अब टीथ की हम टाइप देखते हैं कि टीथ कितनी टाइप के होते हैं। अगर टीथ की टाइप की बात करें तो हमारे माउथ में जो टीथ हैं, उनकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स, इंसाइजर्स थोड़े से आपके ये जो आपके बिल्कुल सामने वाले जो टीथ हैं, ये आपको जो नजर आते हैं इनको हम कहते हैं इंसाइजर्स। इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अब इंसाइजर्स क्या करते हैं कि आपकी फूड को काटते हैं, फूड का जो बाइट होता है, जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर उसको काटा जाता है। उसके बाद आते हैं केनाइन, नंबर 1 पे इंसाइजर, नंबर 2 पे केनाइन। केनाइन काफी नुकीले दांत होते हैं, ये काफी नोक वाले होते हैं। नोक से ये होता है कि आप जो फ्लैश जो गोश्त खाते हैं, जो आप चिकन लेते हैं, आप मीट खाते हैं या फिश लेते हैं, उसको ये काटने के लिए, उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं। काफी पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। मोलर्स और प्री मोलर्स जो आपके पीछे वाले दांत हैं जिनको हम दाढ़े भी कहते हैं, ये वो हैं। तो मोलर्स दाढ़े हैं, प्री मोलर्स वो दांत हैं जो मोलर से पहले आते हैं। तो अब इसका मीनिंग अगर हम देखें, सबसे पहले आते हैं इंसाइजर। इंसाइजर्स का मतलब होता है काटने वाला या काटने वाले, वो जो काटने के इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है किनाई, किनाई का मतलब होता है नोकीला, वो दांत जो काफी पॉइंटेड होते हैं, काफी शार्प होते हैं और ये बड़ी आसानी से चीज को क्या कर देते हैं, उसके अंदर इम्बेड हो जाते हैं, उसको काट देते हैं, उसको नोकीला होने की वजह से उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स। मोलर्स क्या है? दाढ़े। और मोलर्स से पहले आते हैं प्री मोलर्स। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। अब जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, जब बेबी 6 साल का हो जाता है तो फिर उसके मुंह के अंदर जो दांत आना शुरू होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल आउट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और परमानेंट टीथ की तकरीबन जो उनका नंबर है वो कितना होता है? 32। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकंड सेट व्हिच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब है मुस्तकिल दांत। तो परमानेंट, मुस्तकिल, परमानेंट टीथ मतलब मुस्तकिल दांत। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने दांतों की केयर करेंगे, प्रॉपर मिल्क लेंगे, कैल्शियम वाली डाइट लेंगे, तो आपके टीथ जो है वो आपकी लाइफ तक आपका साथ देंगे। अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएंगे, डिके होना शुरू हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, तो वो बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाएंगे। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। अब हमारे मुंह के जो फ्रंट वाले दांत हैं, अगर आप अपने मुख में देखें तो ये
दीज आर कार्ड इनसाइड, ठीक है। ये हमारे क्या है जो बिल्कुल सामने वाले हैं, ये आपको इनसाइडर नजर आ रहे हैं। इनसाइडर का मतलब होता है काटने वाले दान। उसके बाद अगर हम इनसाइडर से पीछे की तरफ जाएं तो ये इनसाइडर के दोनों तरफ यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं ये क्या है कि नाइन। ये नाइन क्या होते हैं? वो दान जो काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो क्या है नोकीले होते हैं। उसके बाद केनाइन से आप पीछे अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं केनाइन के बैक साइड पे उसके पीछे वाली साइड पे जो सात उसके हैं उनको हम कहते हैं प्रीमोलर। और बिल्कुल आप अपने माउथ की बैक पे चले जाएं, मुंह के बिल्कुल पिछले हिस्से पे चले जाएं तो जो दाढ़ें आती हैं उनको हम कहते हैं मोलर। द पॉइंटेड These eight teeth which cut food are called incisors. अब ये आठ होते हैं, यानी फोर ऊपर वाले हैं, फोर नीचे वाले हैं। तो ये टोटल एट incisors हैं जो आपके माउथ में अपर और लोअर, ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में मौजूद हैं। The pointed teeth beside your incisors are called canine teeth. अब नोकीले दांत जो आपके incisors की पीछे वाली साइड पर मौजूद हैं, incisors के साथ ही अटैच हैं, उनको हम कहते हैं केनाइन। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प दे हैव टियर फूड। टियर का मतलब होता है फूड को चीरना, उसको फाड़ना। आपने देखा होगा जो कार्निवर्स होते हैं, ऐसे जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल के फ्लैश पे उनके गोश्त पे ईट करते हैं, वो एनिमल जो होते हैं उनके जो केनाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। उनका साइज इंसाइडर्स की निस्बत काफी बड़ा होता है। जैसे कि नाइन अगर आप देखें तो नाइन के जो केनाइन्स हैं, ये वाले जो दांत हैं उसके केनाइन्स बहुत ज्यादा पॉइंटेड और नोकीले होते हैं, क्योंकि उसने अपने शिकार को या उस फूड को उस फ्लैश को क्या करना होता है, टियर करना होता है, तो वो टियर करके खाता है। देयर आर फोर केनाइन्स टू इन ईच जॉ। आप ऊपर और नीचे वाले जबड़े में अगर हम मिला के बताएं तो ऊपर वाले जबड़े में भी टू केनाइन्स हैं और नीचे वाले में भी टू केनाइन्स हैं। टोटल फोर केनाइन्स हमारे माउथ में मौजूद है। ये बात है द बिगर स्लैटेड टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर एंड प्री मोलर। अब जब आप यहाँ से केनाइन से पीछे आ जाते हैं, अपने मुंह की बैक साइड पे आ जाते हैं, तो आपके पास आते हैं मोलर। जो प्री मोलर जो दाढ़े खिलाई जाती है ये फ्लैट होते हैं, चिट्टे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। दे आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, या आपकी फूड को ग्राइंड करने में, उसको पीसने में और उसको चुबाने में हेल्प करते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ। ये दांत जो है मोलर एंड प्री मोलर ये काफी टफ होते हैं और केनाइन्स और इंसाइडर्स की निस्बत ही ज्यादा टफ। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22 पर। लुकिंग आफ्टर योर टीथ, अपने दांतों की देखभाल करना। अब हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? जैसे हम मिल्की फूड लें, हम दूध दें, दूध की गायें लें जो हमारी दांतों की ग्रोथ के लिए, दांतों की परमानेंट उनके उनको रखने के लिए, उनको उसके तौर पर या ज्यादा लंबे अवसर तक लॉन्ग लाइफ अपने साथ रखने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम दांतों की प्रॉपरली सफाई करें, दांतों के ऊपर कोई ऐसी कोई लेयर ना आने दे जो हमारे दांत की असल जो उसकी चमक है या उसके बाहर जो एक लेयर होती है, जो एक तय होती है जो दांतों को खराब होने से बचाती है, जिसको हम एनेमल कहते हैं। अगर वो लेयर खराब होना शुरू हो जाए, वो लेयर उतरना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है कि आपकी टीथ की चमक भी खराब हो जाती है, दांत मतलब कि खराब होना शुरू हो जाते हैं, बिखेर हो जाते हैं, गल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम कोई ऐसी फूड लेते हैं जिसकी वजह से एसिड हमारे दांतों पे ग्रो करना शुरू करते हैं, एसिड की वजह से क्या होता है कि जर्म्स अटैक करते हैं आपके टीथ पे, तो एसिड और जर्म्स आपके आपके दांतों को क्या कर देते हैं, उन पे एक ऐसी लेयर लगा देते हैं जिसकी वजह से दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये गंदगी होती है, एक बैड स्मेल होता है जो आपके दांतों पे जम जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाक। इफ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। When you eat small bites of food can get stuck between your teeth. जब हम कोई खाना खाते हैं तो फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के दरमियान फंस जाते हैं। The bits can be cleaned away by using a toothbrush. अब हम टूथब्रश यूज करते हैं
और खुदी कर लेते हैं या पूरे पानी के साथ उसको वॉश कर लेते हैं तो वो पार्टिकल बाहर निकल आते हैं। टूथपेस्ट एंड बॉटल, सम पीपल यूज अ नीम ट्री और टूथ पाउडर, ठीक है, कुछ लोग नीम की टहनी इस्तेमाल कर लेते हैं या मसवाक यूज करते हैं जिससे दांतों की प्रॉपरली सफाई हो जाती है। सम टाइम्स बालों का क्या होता है, द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जंक। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें जंक वगैरह अटैक कर देते हैं, वो फूड काफी अच्छे तक आपकी माउथ में रहती है, आप उसको प्रॉपरली अपने फूड को वॉश नहीं करते, आप प्रॉपरली टीथ को वॉश नहीं करते हैं, आप टूथपेस्ट का यूज नहीं करते, आप ब्रश के साथ उसको नहीं वॉश करते या पानी के साथ नहीं धोते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो स्टिकी लेयर, वो एक जो लेयर होती है जर्म्स की, वो आपके दांतों के ऊपर चिपकी रहती है, उसको हम कहते हैं प्लाक। तो दिस इज कॉल्ड प्लाक। प्लाक का मतलब होता है दांतों पर जमी गंदगी। अब ये वो गंदगी है जिसपे क्या मौजूद है, जर्म्स मौजूद है। मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ, जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल, क्योंकि आपको हमें नजर नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल है। यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लाक। अब प्लाक को हटाने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपने दांतों को प्रॉपरली वॉश करें। शुगर एंड प्लाक टूगेदर फॉर्म एन एसिड। एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द एनामल दैट कवर्स द टीथ। अब दांतों को जो बाहर से कवर करती है उस लेयर को हम कहते हैं एनामल। जो लेयर आपके टीथ को प्रॉपरली बाहर से कवर करती है उस लेयर को हम कहते हैं एनामल। अब अगर आप शुगर और एसिड, शुगर और प्लाग अगर आपकी दांतों के ऊपर अगर जमा हुआ है और शुगर भी काफी अर्से तक आपके दांतों पे लगी हुई, आपने प्रॉपरली टीथ वॉश नहीं किए हैं, तो शुगर और प्लाग दोनों मिलकर एक ऐसी चीज बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एसिड। अब एसिड क्या करता है, आपके दांतों के बाहर जो एनामल प्रोटेक्टिव लेयर है, इस हिफाजती टैग को, इस प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेक करना शुरू करती है और आपके दांतों में क्या हो जाती है, कैविटी, सुराख होना शुरू हो जाता है। व्हेन जर्म्स एंटर द होल द टीथ बिगिन टू रोट और डीके। अब जब जरासीम आपके दांतों में एंटर होते हैं तो क्या करते हैं, आपके दांतों को खराब कर देते हैं। तो टीथ क्या हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। डीके का मतलब होता है खराब होना, दांत खराब हो जाते हैं। दिस कैन कॉज पेन। इससे क्या होता है, आपको दर्द महसूस होती है। द ओनली वे टू स्टॉप डीके इज टू विजिट अ डेंटिस्ट। अब इस डीके से बचने के लिए जरूरी है कि आप दांतों के डॉक्टर के पास जाएं, जिसको हम डेंटिस्ट कहते हैं। अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग्स। तो यहां तक हमने देखा कि टीथ किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, किस तरह फूड को उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, फूड के पार्टिकल्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं, टीथ की टाइप क्या है, हर टीथ की टाइप क्या रोल प्ले कर रही है, हर एक क्या काम है, इंसाइजर्स, गिनाइज, मोलर्स और क्ली कलर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे आगे पेज नंबर 23 पर आ जाए, हाउ वी डाइजेस्ट फूड। हम खुराक को कैसे हजम करते हैं, खुराक को हजम करने का जो एक पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये आपको डायग्राम यहाँ पर शो हो रही है। इस डायग्राम को अगर हम नाम दें तो हम कहते हैं कि ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी ह्यूमन का निजाम इंतजाम है जो हजम करने का निजाम होता है, फूड को डाइजेस्ट करने का प्रॉपर एक सिस्टम है। और उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन और ट्यूब्स, कौन सी किनार जो है इसमें रोल प्ले कर रही है, इस पूरी डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये हमारे माउथ से शुरू होती है, उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब आ जाती है, फिर उसके बाद ऑर्गन्स आते हैं और ये कुछ इंटेस्टाइन हैं जो ट्यूब लाइक ही होती हैं और ये काफी लंबी होती हैं लेकिन क्वाइट होती है। उसके बाद फूड डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी से डेटा हो जाती है पॉइंट के। तो हाउ डू वी डाइजेस्ट फूड, हम खुराक को हजम कैसे करते हैं। यू टेक फूड इन टू दी बॉडी थ्रू द माउथ। हम माउथ के जरिए, मुंह के जरिए फूड को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। फूड इज च्यूड इन द माउथ, जैसे हमने देखा कि फूड कौन च्यू करते हैं, दांत। यू यूज आवर टीथ टू टियर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इन टू अ पेस्ट। द टंग हैज टू मिक्स द फूड विद सलाइवा।
अब जिस दौरान आपकी फूड माउथ में महफूज होती है, टीथ उसको च्यू कर रहे होते हैं, उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, उसको पीस रहे होते हैं, उस दौरान आपकी जो टंग होती है वो आपकी फूड को रोल बैक करती है, उसको रोलिंग करती है, उसको घुमाती है, आगे पीछे उसको मूव करवाती है। और इस मूवमेंट के दौरान, इस रोलिंग के दौरान क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है जो कि आपकी टंग रिलीज करती है। टंग में जो कुछ ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं, सलाइवा का मतलब होता है। अब ये कहाँ रिलीज होती है, आपके माउथ में। जैसे ही फूड आपके माउथ में आती है, टंग की रोलिंग के जरिए उस दौरान फूड में क्या मिक्स किया जा रहा होता है, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा कौन सीक्रेट करते हैं, सलाइवा एक केमिकल है जिसमें वाटर भी मौजूद है, जिसमें कुछ केमिकल जूसेस मौजूद है, जिसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, जिसमें और ऐसे केमिकल मौजूद है जो हमारी फूड पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो सलाइवा के अंदर प्रॉपर्टी है कि ये फूड को सॉफ्ट कर देती है, उसको मालिश कर देती है, उसको नमदार कर देती है, उसको नरम कर देती है। सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस As you swell up your tongue, push the food down into your throat. अब ये आपका माउथ है और माउथ की इस साइड पे मौजूद होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। तो दीदार स्लाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा पैदा करते हैं जो आपकी फूड को मॉइस्ट कर देता है। उसके बाद फूड कहाँ चली जाती है, आपके थ्रोट में। थ्रोट हम कहते हैं, थ्रोट का मतलब होता है गला। थ्रोट का मतलब क्या है, गला। अब थ्रोट क्या है, ये कैसे ट्यूब है जहां से आपकी फूड क्या हो रही है, पास हो रही है। द थ्रोट लीड्स अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। अब थ्रोट कहां जाता है, फूड पाइप में। पोर्शन ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट एंटर्स योर स्टमक। अब सिर्फ इस ट्यूब का काम होता है आपकी फूड को आगे पास करवा देना। यहाँ आपके मसल्स होते हैं जो फूड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आगे की तरफ पहुंचा देते हैं। अब उसके बाद फूड जाती है आपकी स्टमक, आपके मेदे में। स्टमक का मतलब क्या होता है, मेदा। अब स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन पार्शली, मुकम्मल तौर पे नहीं तोड़ता, कुछ हद तक डाइजेशन कर देता है। यानी आप ये समझ लें कि हाफ डाइजेशन कहाँ हो जाती है, आपके स्टमक में। अब यहाँ पे क्या होता है, जब फूड की पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं तो स्टमक हर तरफ से कुछ केमिकल यानी कि जूसेस रिलीज करता है। उन जूसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं, एसिड भी मौजूद होता है, इसमें एसिड भी मौजूद होता है जो किसको किल कर देता है, जरासीमों को, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। द स्टमक इज अ मेड ऑफ मसल, इट कैन स्टोर फूड फॉर 7 आवर्स। द स्टमक रिलीज जूसेस एंड एसिड। जैसे मैंने भी बताया कि स्टमक एक जूस रिलीज करता है, एक एसिड रिलीज करता है। जूस का काम होता है आपकी फूड के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देना, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ फोड़ कर देना उनकी। और एसिड का काम होता है जो फूड के अंदर अगर जर्म्स बैक्टीरिया मौजूद हैं तो उनको वो किल करता है। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस, दे हैव टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। द स्टमक मसल्स हैव टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस। अब चर्निंग का जो एक्शन है, चर्निंग के एक्शन के दौरान हीट पैदा होती है। उस हीट से, उस गर्मी से क्या होता है कि जो फैटी चीजें आपकी बॉडी के अंदर, आपकी फूड में जो लिपिड्स होते हैं या फैटी चिकनाई वाली चीजें होती हैं, वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, उनकी पार्शली तौर पर डाइजेशन हो जाती है। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपकी फूड कहाँ चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या है, फूड यहाँ से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। उसके बाद ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये दो इंटेस्टाइन हैं जिनको हम कहते हैं छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, बड़ी आंत। द फूड पासेस फ्रॉम द स्टमक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन
नाम से बड़ी है लेकिन इसका साइज स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ये बहुत लंबी ट्यूब नहीं होती, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ट्यूब काफी लंबी होती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आती है तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो जाती है और डाइजेशन के बाद वो फूड ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। Digestive food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels, जो हजम शुदा खुराक है उसको कहाँ भेज दिया जाता है ब्लड में, और the blood vessels transport the breakdown, the blood vessels transport the broken down substances to the body cells where they are used to provide energy and build new tissues. अब इसके बाद फूड कहाँ जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो बॉडी से उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड के पास द लार्ज इंटेस्टाइन, हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस थ्रू द एनस। तो एनस क्या है, ये आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन है ये क्या है, एनस। अब हमने देखा कि यहाँ पे डायग्राम में हमें एक और ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं, इस ऑर्गन को कहते हैं लिवर, यानी ये जिगर। लिवर का मतलब है जिगर। उसके बाद ये आपको लीफ लाइक एक ऑर्गन नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं पैंक्रियाज, यानी के लबलबा। पैंक्रियाज का मतलब है लबलबा, लिवर का मतलब है जिगर, और यहाँ पे मौजूद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसको कहते हैं, गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ता। अब ये तीन वो ऑर्गन है यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लीवर एक सॉल्ट रिलीज करता है, एक सेक्रेशन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं बाइल। बाइल कहा जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब फैट की डाइजेशन करवाती है। उसके बाद गॉल ब्लैडर से भी जो बाइल, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब टाइम आता है उसको रिलीज करने का तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। और पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है जो वहां चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बन जाते हैं। देयर आर आल्सो थ्री अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी व्हिच हेल्प विद डाइजेशन, दीज आर द पैंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। द पैंक्रियाज इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन लोकेटेड इन द बेली दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस एंड ब्रेक डाउन फैट। दीज जूसेस एंटर द इंटेस्टाइन थ्रू द स्मॉल ट्यूब, ठीक है। पैंक्रियास क्या रिलीज करती है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करती है, जो फैट की डाइजेशन कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, और जो कुछ हद तक जो बीच में प्रोटीन है उनकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। द लिवर हैज मेनी फंक्शंस, लिवर बहुत से काम करता है, इट हेल्प टू फिल्टर द ब्लड एंड स्टोर फूड। ये क्या करता है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से जितने जहरीले केमिकल्स हैं उनको रिमूव करता है, उनको साफ करता है, एंड स्टोर फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की शक्ल में एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस आवर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। अब लिवर जो जूस सीक्रेट करता है उसको क्या कहते हैं, बाइल। बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड व्हेन नीडेड रिलीज इनटू पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब बाइल की जरूरत पड़ती है तो उसको गॉल ब्लैडर क्या करता है, रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते। तो ये आपके क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब इसकी बात है हमारी ईटिंग हैबिट्स, पेज नंबर 25 में आ जाए। ईटिंग हैबिट्स क्या है, हमारी खाने पीने की आदत क्या होनी चाहिए कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बने, प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, और जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फॉलो दीज रूल्स एंड यू विल फाइंड दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेल। ईट प्रॉपर, ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स्ड टाइम, बकायदा खाएं और उस वक्त पे खाएं जहां उससे खाना जरूरी है, रेगुलरली खाएं। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, ईट अ बैलेंस्ड डाइट व्हिच इंक्लूड्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा तादाद में या कसरत से पानी को पिए, जितना वाटर रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। मेक श्योर दैट द फूड यू ईट इज क्लीन एंड वेल कुक्ड, जो चीज आप खा रहे हैं या जो पका रहे हैं ये देखें कि आपकी फूड क्लीन है, वॉश है प्रॉपर्ली। मेक श्योर
about scent or become excited by eating, chew your food well, food ko achhi tarah se chubaye, rinse your mouth after you eat, khane ke baad khuli kare, muh mein pani dal ke usko wash kare. What could happen if you do not follow these rules? Ab agar ye rules apnayenge to kya hoga, ek to germs hamari body ke enter ho jayenge, dusra hamara digestive system properly kaam nahi karega, food properly digest nahi hogi aur hamari body ko uski required energy hai hamari food ko todne ke baad usko milti hai wo properly nahi mil sakegi. So students, yahan tak humne apna chapter number 3 digestion ki reading ko complete kiya hai. Maine aapko difficult words ki meaning bataye, digestive system ko humne samjha, teeth kya hai, teeth ki types kya hai, teeth kya role play karte hain, teeth ki care kaise ki jati hai. तो ये आपने होपफुली आपको